हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान ने की दो गलती जिसका भारत को था इंतजार। अरे वाह, मजा आ गया। फिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान SCO, देखते तो अब देखते हैं क्या गलती की। हमने तो कहा कि कॉमेडी तो बड़ी की है, अब ये गलतियां भी क्या की है उसका मजा। इन्होंने बोला है दो गलती। हाँ, मैं तो बोला बहुत सारी गलतियों का इंतजार है शायद। नहीं, मैं तो कह रही हूँ गलतियों पे गलतियां की हैं, देखते हैं कुछ ठीक किया ही नहीं होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार वही गलती कर दी जिसका खामियाजा इमरान खान भुगत रहे हैं। इमरान खान जिंदगी भर अपना रूस का दौरा नहीं भूल पाएंगे। रूस जाने के 2 महीने बाद ही इमरान खान की कुर्सी चली गई थी। अब शहबाज शरीफ ने भी ठीक वही गलती कर दी है। SCO बैठक में शहबाज शरीफ चीन और रूस जाने का न्योता स्वीकार करके आ गए हैं। इस साल नवंबर में शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और उनके रूस जाने का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा था कि शहबाज शरीफ इमरान खान की गलती से कुछ सीखेंगे और अमेरिका के विरोधियों से दूरी बनाकर रखेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर शहबाज शरीफ रूस और चीन से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाते हैं तो उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। मजे की बात देखिए कि हाल ही में अमेरिका ने चुपचाप पाकिस्तान की एक बड़ी मदद की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ रूस को एक महाशक्ति और पुतिन को जबान का पक्का आदमी बोलकर आ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहबाज शरीफ ने हड़बड़ी में गलती कर दी है। बहरहाल जब शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन से मिले तो इमरान खान ने भी मौके पर चौका मार दिया। बिल्कुल होता है। हर मुद्दे पर शहबाज शरीफ को घेरने वाले इमरान खान ने इस बार भी शहबाज शरीफ पर बड़ा हमला कर दिया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की बेइज्जती करवा कर आए हैं। पुतिन के सामने जब शहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर डिवाइस बार बार गिर रहा था, तो इमरान खान की पार्टी PTI ने भी शहबाज शरीफ को इस मुद्दे पर घेर लिया। इमरान खान के मंत्रिमंडल में मानवाधिकार मंत्री रही शरीन मजारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर कह दिया। क्राइम, वो गिरने से क्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? मजारी ने कहा कि ये क्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लगातार शर्मसार कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने वो गलती की है जो अब भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। शहबाज शरीफ की एक गलती से भारत को बड़ा मौका मिल गया है। भारत अब पाकिस्तान की मदद करने वाले अमेरिका को आईना दिखा सकता है। भारत पहले भी अमेरिका को ये कहता आया है कि पाकिस्तान भरोसा करने लायक देश नहीं है। भैया मुझे तो बड़ा मजा आया, ऐसी गलतियां पे गलतियां करते रहे, हमें फायदा होता रहेगा। मैं ये सोच रही थी, एक तरफ मोदी जी ने सबके सामने जो है पुतिन को ये बोल दिया कि वॉर नहीं होना चाहिए, तुम्हें वॉर रोकनी चाहिए। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने बोला था कि वॉर नहीं करनी, बंद करो। हाँ, और दूसरी तरफ ये जो है शहबाज शरीफ, ये बड़ी दोस्तियां करने के लिए चले गए कि जबान के पक्के हैं जी पुतिन, और उनको साथ प्लान भी बना लिया, चाइना का भी कर दिया। मतलब एक नहीं भैया, चलो तुम पुतिन से ही मिलके आ जाओ, तो चाइना का भी कर लिया, दोनों जो अमेरिका के दुश्मन है। तो अब मजा आएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो दिया है पैसे और उसको मेंटेनेंस के लिए जो दिए हैं, तो अब होप तो यही है कि रियलाइजेशन होगी कि हम दे किसको रहे पैसे, जो जाके हाथ जो है शेक कर रहा है या मिला रहा है वो रशिया से और चाइना से। तो अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा एक काम कर दिया जिससे एटलीस्ट आई एम होपिंग कि अमेरिका को रीथिंक करने का अब एक चांस मिलेगा, और इंडिया बोल सकता है जैसे बोल रहे हैं कि देखो पाकिस्तान किस टाइप का है, हम बोलते जा रहे हैं कि द नॉट ट्रस्टवर्दी और आप उनको हेल्प कर रहे हो, जबकि इंडिया ने तो बहुत अच्छा बोला था कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, बड़े स्ट्रांग वर्ड्स थे वो। तो अब जैसे पाकिस्तान जो है वैसे करता तो बहुत सारी गलतियां हैं, तो ये गलती वो ये कह रहे हैं कि
इमरान खान ने भी यही की थी, वो चाइना और वो रशिया पुतिन के चले रशिया के पास चले गया था ना। हाँ चाइना के भी बाद गए में मिले हुए थे, गए थे और चाइना उसके वो। बाद उनकी गद्दी चली गई। तो हाँ गलती, अब याद ये कह रहे हैं कि है। अगर आप इतना एड लेते हैं, पाकिस्तान अगर यूएसए से एड लेता है, हाँ यूएसए से अभी भी हेल्प ले रहा है, ले मिलिट्री रहा ले रहा है, उसके बाद यूएसए के जो अगेंस्ट हैं कंट्रीज वहीं पर ही जाके उनकी जय जयकार करेगा तो क्या हाँ होगा। गुणगान किए जा रहे हैं भाई। मगर थोड़ा चेंज तो आ रहा है, पहले तो ये था कि इंडिया और चाइना बिल्कुल ही रशिया के साथ थे राइट स्टार्टिंग में, मगर जैसे समय बीत रहा है और रशिया जो है यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पा रहा जल्दी से, पहले था कि रशिया फटाफट जाएगा यूक्रेन में कब्जा करेगा और डन, अब वो क्योंकि नहीं कर पा रहा और इतनी न्यूज़ आ रही है, ये हो गया जी, वो हो गया, यहाँ लोग मर गए, जो भी न्यूज़ आ रही है। अब एक न्यूज़ आई थी कि मास ग्रेव्स मिले हैं, कोई 400 बंदा दफना मिला है, जल्दबाजी में कई लोगों के हैंड कफ लगे थे उनको भी ग्रेव में डाल दिया। तो जब उन्होंने खार्किव में यूक्रेन ने वापस लिया अपनी लैंड से बहुत को निकला, अब इस टाइप की नेगेटिव न्यूज़ से फ़र्क पड़ता है। और मोदी जी ने भी कह दिया था कि इस वक्त लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, वॉर का टाइम नहीं है, उससे पहले शी जिनपिंग थे उन्होंने भी यही कहा कि भाई वॉर में का टाइम नहीं है। अब पता लग रहा है वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले अजम्पशन था कि 1 मिनट में वॉर होगी, काम खत्म, दुनिया आगे बढ़ेगी, अब ये लंबा ड्रैग होता जा रहा है, लंबे सैंक्शन चलेंगे, लंबे ऑयल की प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आएगी, हर चीज़ की प्रॉब्लम आएगी पूरे वर्ल्ड को, तो फिर उससे सब इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। और रशिया मगर इसके बावजूद भी मिस्टर पुटिन ने कहा है हम तो भैया जो हमें अचीव करना है वो करते रहेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उनके अंदर की खबरें आती है, पता नहीं ये वेस्टर्न मीडिया का है, आप बताइए वहाँ पे ऐसे कोई खबर आती है नहीं आती कि मिस्टर पुटिन के आसपास वाले कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन करिए, मेरे को तो लगता है ये वेस्टर्न मीडिया कर रहा है प्रोपोगंडा ताकि दिखाए हो कि भी वहां पे सकता कहीं किसी तरह से डिस्टरबेंस हो है। जाए, यहाँ मुझे तो पे यही एक आध लगता न्यूज़ ये आई है है। कि वहां कौन बोलेगा, एक मरना है किसी रशिया ने। में ही लोग जो हैं उनके आसपास कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन करिए क्योंकि यूक्रेन का 1 मिनट में होना चाहिए था, अब इतना लंबा ड्रैग हो गया, तो वो सब पॉलिटिक्स चलती है वर्ल्ड में, मगर यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। पाकिस्तान ने तो अच्छा करा और है। जहाँ तक पता है पाकिस्तान के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, देखिए इमरान खान तो अभी कह रहे थे तुमने मिस्टर शरीफ बन गए हैं बिना किसी इलेक्शंस के राइट, आपने बस जो भी है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया था उसमें जो भी हेयर बदल हुई है, मिलिट्री का प्रेशर था, मगर अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्शंस जब आएंगे तब क्या होगा। स्पेशली इमरान खान जो है मेरे ख्याल से जीत गए थे पंजाब में जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, तो वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं कि मैं पंजाब में जीता हूँ, जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो मुझे कौन हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता, इसीलिए वो जगह जगह। और ऑफकोर्स ऑपोजिशन तो अपॉर्चुनिटी देखता ही है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मतलब हेडफोन गिर गया मगर ऑपोजिशन ने उसको ये सब बनाया, जो भी बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बदले क्राइम मिनिस्टर, जबकि ये सिर्फ उन्होंने मतलब कोई कोई ऐसी वर्ड लिया है जो मैच करता है, उससे लेना देना नहीं है, कोई क्राइम अगर किसी का हेडफोन मिल गया उसने क्राइम क्या कर दिया भैया, ये तो मतलब अच्छा उन्होंने हमारे को मजाक के लिए एंटरटेनमेंट किया मिल है। रही है, हमें तो हाँ तो एंटरटेनमेंट काफ़ी मिल अच्छा है रही और देखते हैं अभी अभी क्या होता है, मगर इंडिया को तो अपनी कंट्री के लिए फोकस करना है राधर देन कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो ठीक है वो जो भी कर रहे हैं अपना चल रहा है, अब ये पता नहीं एग्जैक्टली इसे कह रहे थे पहले बैंक करप्ट होंगे नहीं होंगे तो उसकी अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। है। हाँ पर मजेदार ये बहुत है, और सबसे अच्छी बात है कि लोग जो है पैर पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। पाकिस्तान इतना महान है कि वो कुल्हाड़ी मतलब पैर को कुल्हाड़ी पे जाके मारता है। राइट तो चलो फ्रेंड चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।